तुम्हें देखने का बहुत दिल कर रहा था। फोन ट्राई किया लेकिन लग ही नहीं रहा था। सोचा यहां आ जाऊं, शायद तुम्हें देख पाऊं। और जब आया तो दूर से तुम्हें अकेला बैठा हुआ देखा, तो सोचा क्यों ना अपनी होने वाली बहू के सर पे हाथ रखता। तुम्हें याद है जब हम लोग पहली बार मिले थे तो तुमने मेरी मदद की थी, शायद आज मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। परेशान हूं। आपको कैसे पता? परेशान, ये परेशानी परेशान को खूब जाने। खैर मैं तुम्हारा दोस्त हूं है ना, मुझे नहीं बताओ कि क्या बात है। मैं जानता हूं असद और दिलशाद नाराज हैं मुझसे, बात तक नहीं करना चाहते, और शायद मैं तुम्हारे निकाह में भी ना आ पाऊं, इसलिए कम से कम अभी तो अपनी मदद करने दो मुझे दोस्त। क्या मैं निखत से कुछ अकेले बात कर सकता हूं? बेटा सब खैरियत तो है? जी सब खैरियत से, बस मुझे निखत से कुछ अकेले बात करनी है। बड़ी अजीब बात है तनवीर, ये सब कुछ क्यों करेगी? मुझे ऐसा लगता है सिंस मिस्टर खान और तनवीर बचपन के दोस्त हैं, तो हो सकता है तनवीर मिस्टर खान से मोहब्बत करती हो, इसलिए सब कुछ कर रही है। हो सकता है, लेकिन दोस्त जो बातें तुमने मुझे बताई है वो सब इंसान किसी की नफरत में तो कर सकता है लेकिन मोहब्बत में नहीं। आई नो दोस्त, एंड आपको पता है तनवीर जो कुछ भी करती है ना इतनी सफाई से करती है, इतना स्मार्टली करती है कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता, और जब तक मेरे पास सबूत नहीं होगा ना कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। वो मिस्टर खान तो बिल्कुल भी नहीं, जानते हैं वो तो मुझसे खफा हो जाते हैं कि मैंने तनवीर के खिलाफ बात की। एक बार वो पत्थर की आंख वाला शख्स मिल जाए ना तो सारी बातें साफ हो सकती है। अच्छा दोस्त तुमने बताया था कि दो अटैक्स घर में हुए हैं, तो हो सकता है कि वो पत्थर की आंख वाला शख्स उसने कोई सबूत घर में ही छोड़ा हो। अगर ऐसा होगा भी ना तो तनवीर ने सारे सबूत मिटा दिए होंगे, मैंने कहा ना बहुत चालाक है वो। गुनेगार कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है, बस तुम्हें जरूरत है अपनी आंखें खुली रखने की, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें कोई ना कोई सुराग, कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाएगा। बस एक मर्तबा सबूत हाथ में आ जाए तुम्हारे, उसके बाद उसका इस्तेमाल बहुत होशियारी से करना होगा। यस, आप सही कह रहे हैं, मुझे पता करना ही होगा कि तनवीर ये सब कुछ क्यों कर रही है। फॉर श्योर तनवीर कभी तो कोई ना कोई गलती करेगी ही, ना कभी तो मुझे क्लू मिलेगा ही। निखत आपने के होटल के रजिस्टर में हमारा असली नाम लिखवाया था? जी। निखत मैंने आपसे कहा था कि वहां पर हमारा असली नाम नहीं लिखवाना है, आप कुछ भी लिखवा सकती थी ना वहां पे। लेकिन इमरान ऐसा क्यों करती?
फिर मैं किसी और का नाम क्यों लिखवाती? क्योंकि ऐसे जगह पे लोग अपना असली नाम नहीं लिखवाते हैं। लेकिन इमरान हुआ क्या है? बात क्या है? बात क्या है? क्योंकि पुलिस की रेड पड़ी है वहाँ पर। होटल के रजिस्टर से हमारा नाम निकलवाकर हमें कॉल किया गया है, पूछताछ करी है हमसे। हमें तो डर है कहीं वो लोग हमारे घर तक ना पहुंच जाए। या अल्लाह। जिसका डर था वही हुआ। पुलिस आई है घर पर, अम्मी को सब कुछ पता चल चुका है। शौक पे है अम्मी, आपको अंदाजा भी है आपने क्या किया। लेकिन डर, हम डर क्यों रहे? आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप समझती है दुनिया हमारी बात पर यकीन करेंगी? जब लोग हमारी अम्मी से सवाल पूछेंगे कि आपका बेटा और आपकी होने वाली बहू एक बाजारू होटल में जाके रुके थे, तो क्या बीतेगी उनपे? निखत, मैं आपसे उम्मीद नहीं थी। दादी, मैं देख के आता हूँ। आप जिम्मेदार हैं इन सब चीजों के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं इमरान मियां? आखिर निखत का जुर्म क्या है? यही कि उसने वहां सच लिखा? ये सब क्या हो रहा है यार? दादी, कल रात निखत और इमरान दरगाह पे नहीं रुके हुए थे। रात बहुत हो चुकी थी और रुकने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए ये दोनों एक होटल में रुक गए थे। निखत ने तो बताया। निखत ने कोई झूठ नहीं कहा है दादी, बल्कि इमरान मियां ने निखत से झूठ बुलवाया है। और आप जानती हैं कि ये कल रात यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? ये इसीलिए नहीं पहुंचे क्योंकि इमरान मियां की गाड़ी दरगाह पे वक्त पे नहीं पहुंची। हाय अल्लाह, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है? अरे लोग जब बातें करेंगे तो सोचेंगे थोड़ी कि गाड़ी खराब हो गई थी, कि ये हो गया, कि वो हो गया। अरे लोग तो हजार बातें ही करेंगे। बिल्कुल, और हमारी अम्मी हमारे खानदान की इज्जत पे कीचड़ का एक छींटा भी उसने तो बर्दाश्त नहीं करेंगी। वाह, हमें तो ये पता ही नहीं था कि आपकी अम्मी की नजरों में इज्जत भी कोई चीज है। क्योंकि आज तक उन्होंने हमारे खानदान पे कितनी कीचड़ उछाली है, न जाने क्या क्या कहा है, लेकिन हम में से किसी ने भी एक लफ्ज नहीं कहा उन्हें आज तक। जब खानदान ही ऐसा होगा तो हमारी अम्मी भी क्या करेंगी? सुनो निखत, सुनो कि हम सब के बारे में क्या ख्याल रखते हैं ये। सच कड़वा होता है अनमिया, और आपके खानदान के बारे में तो सब जानते हैं। सब जानते हैं आपके अबू के बारे में। इमरान भाईजान, नहीं, अगर हमारे अब्बू के बारे में अपनी जुबान से एक लफ्ज भी और निकाला ना, तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे घर में खड़े हैं। वाह, दिखा दिया तुम्हारे खानदान ने अपनी औकात। तुम जिस खानदान की शराफत को इतनी देर से यहाँ खड़े होकर गालियां दे रहे हो ना, उसी शराफत ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। मेरे हाथ खुल रहे हैं उसके पहले यहां से निकल जाओ। ऐसे इज्जतदार खानदान में रहना भी कौन चाहता है? ये बदतमीजी तुम सबको बहुत महंगी पड़ेगी। दिलोजी, इतना ग्रैंड सेटअप होगा निकाह का ना कि सब लोग देखते रह जाएंगे। मैंने तो अपना सारा फोकस है ना इस निकाह में शिफ्ट कर दिया है। इनफैक्ट जो मेरी न्यूयॉर्क के क्लाइंट्स है ना, वो मुझसे एक एक मिनट के लिए मिलने के लिए तरस रहे, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया बिकॉज़ आई ओनली टेक अ प्रोजेक्ट्स दैट इंटरेस्ट मी, यू नो। आई एम सो फोकस्ड एंड सो पैशनेट अबाउट माय वर्क, यू नो। असद, अच्छा आपकी और जोया की निकाह में एंट्री कैसे होगी, हमें ये डिसाइड करना है। सो टेल मी, डू यू नो स्टंट? नहीं। यस,
झूठ। मिस्टर खान स्टंट भी कर लेते हैं और एक साथ 10-10 लोगों के साथ फाइट भी कर सकते हैं। वेल, इसी बात पे एक शेर अर्ज है। असद अहमद खान यानी रजनीकांत प्लस सुपरमैन। असद अहमद खान यानी रजनीकांत प्लस सुपरमैन, उसमें जोड़ दीजिए रैम्बो एंड देन मल्टीप्लाइड बाय जैकी चैन। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह मियां, आपको पता है एक बार मिस्टर खान ने मुझे गुंडों से बचाने के लिए फाइट की थी। I guess more than एक बार। Yes, माशाल्लाह क्या fight करते हैं। और आपको पता है fight करने से पहले गुंडों को जो tough सी look देते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं पम्मी जी? आपको पता है एक बार मिस्टर खान ने एक साथ 5 गुंडों को पीटा था और एक गुंडे को तो ऐसे मारा फिर romantic hero की तरह ना मुझे ऐसे पकड़ लिया। क्या हुआ तन्वीर? ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? वो बस आग पे धुआं चला गया है ना, अभी धो लूंगी तो ठीक हो जाएगा। स्ट्रेन, तन्वीर की एक ही आंख में इरिटेशन हो रही थी। मिस्टर खान भी ना, बाबीकू का सारा काम तो बाकी लोगों ने किया, चुपचाप खड़े थे स्क्रूज लेके। एक काम किया वो भी ढंग से नहीं हुआ, सब जला दिया। ये क्या है? नाइफ? तो वही जगह है जहाँ जश्न बहार हुआ था और तन्वीर पर हमला भी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो जख्म गिरने से नहीं बल्कि चाकू से आए हैं। कहीं ये वही चाकू तो नहीं जिससे उस पत्थर की आंख वाले शख्स ने तन्वीर पर हमला किया था, या फिर यूं कहूं कि हमले का नाटक किया था। आपने तन्वीर के जख्म देखे? जख्मों को देखने पर ऐसा नहीं लगता जैसे किसी ने उस पर वार किया हो। इस नाइफ पर जरूर फिंगरप्रिंट्स होंगे, मुझे इसे किसी लैब में ले जाकर चेक करवाना होगा। खाला ने हमसे कहा कि आपको देखकर आए कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। थैंक यू सो मच, आई एम डन। तुम्हारी आंख कैसी है अब? हाँ, अब ठीक है। गुड। तुम आजकल अपना थोड़ा ध्यान रखो तन्वीर, तुम्हें नहीं लगता आजकल कुछ ज्यादा ही बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ? चलो चलते हैं। आप चलिए, हम अपने रूम तक होकर आते हैं। ओके।
यहाँ क्या कर रही थी? कहीं से वो चाकू तो नहीं मिल गया? तन्वी, आप यहाँ क्या कर रही है? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। प्लीज मेरे साथ चलिए ना, वो बाबूजी का मैरिनेट बनाना है, यू नो सब कुछ खराब हो गया है। प्लीज चलिए, अब जल्दी चलिए प्लीज, ऐसे सब कुछ खराब हो गया। कुछ तो बात जरूर है जो तन्वीर इतनी परेशान है। वो चाकू जोया के हाथ लग ही गया। मुझे किसी भी तरह वो उससे लेना ही होगा। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है? अरे अयान को इतना भड़कने की क्या जरूरत थी? घर के बड़े थे, हम संभाल लेते ना। ये गैरतमंदों की बातें हैं। तुम नहीं समझोगी रजिया। अरे मैं सब समझती हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रही हैं। अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई, होती है तो हो जाने दीजिए, हमारी बर्दाश्त की भी एक हद है। राशिद मियां, दुनिया वालों के ताने की कोई हद नहीं होती। और निखत और इमरान ने होटल के कमरे में एक रात साथ गुजारी है, ये बात बाहर आते देर नहीं लगेगी। दाग तो लग गया ना हमारी बच्ची पर। बस अब तो यही एक रिश्ता बचा है उसके लिए। मेरी बहन का दामन पाक साफ है, और अगर कोई इस बात पर शक करता है तो करता रहे। और आप बताइए, इमरान निखत पे कोई शक क्यों करेगा? वो खुद उसके साथ उस रात वहां था। अरे वो तो है आयान, लेकिन तुम ये क्यों भूल रहे हो कि हम लड़की वाले हैं। और चाहे जो कुछ भी कहो, लड़की वालों को हमेशा सर झुका के ही चलना पड़ता है। अल्लाह कसम, हसीना को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे उसे जब इस बात का पता चलेगा ना, तो वो तो पता नहीं किस हद तक चली जाएगी। हेलो शांति, या अल्लाह जान भी कह रही हैं कि हसीना को निखत और इमरान के बारे में पता चल गया, और उसे जैसे ही पता चला वो बेहोश हो गई। हसीना ने तो बिस्तर पकड़ लिया है। वो लोग सब बहुत सदमे में हैं। और क्या, उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया।